राजस्थान की खबरों के लिए सीधे चलते हैं जयपुर, जहां पर रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ संजय वोरा जुड़ गए हैं। संजय जी, ओवर टू यू। नमस्ते जी। राजस्थान में आपने जैसा कहा, कोरोना के मामले काफी गंभीर रूप ले रहे हैं और उसकी वानगी हमने देखी है राजस्थान हाईकोर्ट में। कल वहां फिर से एक जज के पीए को कोरोना का संक्रमण हुआ है और उसकी वजह से वहां पे कल भी कामकाज बंद कर दिया गया था और आज भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। उसके बाद अब मीटिंग होने वाली है कि जो ये प्रोसेस शुरू किया है दोबारा कोर्ट में सुनवाई का, इसको वापस क्या बंद करना पड़ेगा और फिर से हम ऑनलाइन सुनवाई पर जाएं। अभी दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन सुनवाई भी होती है और जो महत्वपूर्ण केसेस हैं सिर्फ उन्हीं को कोर्ट में सुना जाता है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस व्यवस्था को, इसके पहले कोर्ट सिर्फ ऑनलाइन पे सुनवाई कर रहा था और जो लोकल कोर्ट्स थे वहां पे भी देखिए कि पिछले हफ्ते जो जोधपुर की जो कोर्ट्स थी ACGM और दूसरी लोकल कोर्ट्स, उनमें कामकाज बंद करना पड़ा था, क्वारंटाइन कम से कम 200 लोगों को करना पड़ा था। तो ये मुश्किल आ रही है और जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जयनारायण व्यास, उनके पोते की मौत हो गई है। जोधपुर में ये कोरोना का जो कहर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड की हालत है। इस बीच एक ही रिपोर्ट है राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो कोरोना के मामले हैं और जो मृत्यु है इनकी सोशल ऑडिट होगी। तो इस रिपोर्ट में ये पता लगा है कि ज्यादातर यानी कम से कम 25% मौतों का कारण ये है कि परिवार वाले ये तय नहीं कर पाते हैं कि इलाज करवाना है नहीं करवाना है या कहाँ करवाना है और मरीजों को देर से अस्पताल लाया जा रहा है, इस वजह से ये 25% मौतें हो रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 78 रोगी प्रदेश में ऐसे थे जिनकी मौत के बाद पता लगा कि उनको कोरोना था। उपचार में देरी के कारण 5 ने दम तोड़ा। नॉन कोविड यानी कि सुसाइड वगैरह, जैसे अभी हमने कल ही एक खबर देखी थी कि एक व्यक्ति ने कोरोना सस्पेक्ट जो थे वो अस्पताल से कूद छलांग लगा करके और सुसाइड कर लिया। और किसी प्रकार की देरी नहीं होने के बावजूद 16 रोगियों ने जान गंवाई है। तो ये सोशल ऑडिट के नतीजे हैं और अभी ये जारी रहेगी, इसमें और भी कई चीजें पता लगेंगी जब आगे भी ये रिपोर्ट। अब ये खबर है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जिसने अपना टाइम टेबल निरस्त कर दिया है। उसने पहले परीक्षा करवाने का निर्णय किया था जुलाई के दूसरे सप्ताह से, लेकिन अब ये निर्णय स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को वैसे ही प्रमोट करेंगे, पर UGC का ऑर्डर आया उसके बावजूद अभी यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है। तो हमारे संवाददाता रामस्वरूप से जानते हैं कि अब इसमें क्या स्थिति रहेगी। तो अभी भी असमंजस तो बना हुआ ही है, हालांकि टाइम टेबल निरस्त कर दिया है। रामस्वरूप, क्या आप बता सकते हैं कि ये UGC के आदेश के बावजूद ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जो निरस्त किया है? सरकार ने जो निर्णय लिया था उसके बाद ये टाइम टेबल निरस्त किया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो अपनी जगह सही है और जो सरकार ने फैसला लिया है वो प्रदेश के हालात को देखते हुए लिया है। हालांकि इस बारे में उच्च शिक्षा मंत्री से बात हुई थी तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री स्तर पर उच्च लेवल की मीटिंग की जाएगी जिसमें पता समीक्षा की जाएगी कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोरोना का कहीं बहुत ज्यादा संकट है, कहीं कम है, तो राजस्थान के हालातों को देखते हुए यहाँ संभव नहीं है कि एग्जाम करवाए जाए, चाहे फाइनल ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो। क्योंकि यूजीसी के फैसले के खिलाफ जाना क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी को भारी पड़ सकता है? देखिए, ये अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि सरकार अगर कोई पत्र लिखे, कोई पहल करे तो हो सकता है उस निर्णय में कुछ बदलाव हो। अभी जो महामारी का संकट है उसमें ये नहीं कह सकते कि जो नियम है उसमें वही सख्ती बरती जाएगी। हो सकता है इसमें इस तरीके से छूट दे दी जाए, हो सकता है कि UGC जो है ऐसा कोई अपने नियम में बदलाव करे, नोटिफिकेशन में कोई थोड़ा बहुत चेंज करके राहत दे जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए समान हो, ऐसा कोई निर्णय शायद हो सकता है क्योंकि अभी तय नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी एक खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर हम देखते हैं कि IIT में प्रवेश के लिए जो 12th क्लास में 75% अंक लाने की अनिवार्यता थी वो अब हट सकती है।
पहले ये अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन जब ये देखा गया कि कुछ बच्चे जो आईआईटी के एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनके स्कूल यानी 12वीं के जो परिणाम है वो अच्छे नहीं रहते और ये लोग स्कूल रेगुलर अटेंड भी नहीं करते हैं, तो ये अनिवार्यता लगाई गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये अनिवार्यता जो 75% की है ये फिर से हट सकती है। अभी जेईई एडवांस में जनरल कैटेगरी के जो रैंक होल्डर छात्र हैं उनकी 75% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 65% नंबर होने चाहिए या टॉप 20% में उनका नाम होना चाहिए, तभी उनको दाखिला मिलता है। कोरोना की वजह से लेकिन सीबीएसई ने चूंकि परीक्षाएं रद्द कर दी थी इसलिए इस बार ये किया जा रहा है। और अभी अगली खबर पर हम जाते हैं। राजस्थान में आप जानते हैं टिड्डी का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है और इससे काफी फसलों को नुकसान हुआ है। एक साल से ज्यादा हो गया है टिड्डियों के हमले को झेलते हुए, तो अब जाकर कहीं ब्रिटेन से ये 20 ऑटोमेटिक माइक्रोनियर मशीनें आई हैं। ये जोधपुर में जो हेडक्वार्टर है लुकस कंट्रोल डिपार्टमेंट का उसको दिया गया है। इस मशीन की विशेषता यह है कि ये 30 फीट की ऊंचाई तक 90 से 180 डिग्री तक पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकती है। पिछले महीने ऐसी 15 मशीन आई थी और 20 आई है, कुल 35 हो गई। वैसे 60 मशीनें मंगवाई गई हैं, तो उम्मीद है कि इससे जो लोकस्ट कंट्रोल है उसमें काफी आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में की जो राजधानी है जयपुर, उसका ये परकोटा है और इसके वैभव को राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो परकोटा है उसको एक वर्ल्ड सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बायलॉज में इसको लिया गया है, हेरिटेज माना गया है इसको। तो इसमें बिल्डिंग नए बायलॉज आए हैं और इसमें ये कहा गया है कि कोई नया निर्माण नहीं हो सकता या कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमारे संवाददाता रामस्वरूप से हम जानते हैं। रामस्वरूप, तो जिन लोगों के घर हैं क्या वो अपने घर में कोई बदलाव नहीं कर सकते या जो केवल मुख्य मार्ग है केवल वहां पे बदलाव नहीं हो सकता, बाकी आप जैसा चाहे वैसा निर्माण कर सकते हैं? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा एक साल पहले परकोटे को मिला था, तो परकोटे के वैभव को बनाए रखने के लिए जो पुरानी विरासत है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। नए निर्माण का मतलब ये नहीं है कि उसको अलग से रूप दे दिया जाए। जहां खंडन हुआ है उसका दुरुस्त जरूर किया जा सकता है, लेकिन नया निर्माण का मतलब है कि उसमें कोई किसी भी तरह का मॉडिफाई जो है नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमने देखा कि जो एक चारदीवारी बनी हुई है उस चारदीवारी के पास जो दुकानें बनी हुई है कुछ जगह मॉडिफिकेशन हुआ था, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, परकोटे में बहुत ऐसी निजी हवेलियां बनी हुई है, उन हवेलियों को भी बोला गया, कहा गया कि उनको अभी बरकरार रखा जाएगा यूं की यूं, और उसका जो यूज है वो कॉमर्शियल भी किया जा सकता है। यानी कि जो लोग हैं वहां पर विदेशी सैलानी वहां देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो परकोटे में फेरने के लिए आते हैं, तो न केवल सरकारी संपत्ति जो विरासत है उसके अलावा जो निजी हवेलियां हैं, निजी भवन है, जो पुराने जो अच्छे विरासत को पहचान है उनको वो कायम रखना है। कोई नया निर्माण ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें जो उसके रूप को जो है विरासत किया जाए, कोई नया रूप दे दे। शुक्रिया रामस्वरूप आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।